हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू मुद्रा करियर्स। तो एक बहुत अच्छी न्यूज़ है, एक नया नोटिफिकेशन आ चुका है न्यू इंडिया एश्योरेंस का। असिस्टेंट के पोस्ट के लिए टोटल 653 वैकेंसीज आ देर। तो इसके सारे डिटेल्स पे आने से पहले, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे हो तो इस रेड बटन को दबा के सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और इसी के साथ ये जो बेल आइकन है उसको भी क्लिक कर देना, सो दैट यू विल गेट ऑल द अपडेट्स ऑन टाइम विदाउट एनी कॉस्ट। सो लेट्स कम टू ऑल द डिटेल्स ऑफ न्यू इंडिया एश्योरेंस। तो ये क्लेरिकल का पोस्ट है, लेकिन एलिजिबिलिटी में एज लिमिट इन्होंने जो मेंशन किया, एज ऑन 30th of June आपका एज 21 to 30 ईयर्स होना चाहिए। ये जनरल कैटेगरी के लिए है। ओबीसी के लिए इट विल बी 33 एंड फॉर SC ST इट विल बी 35 ईयर्स। फिजिकली हैंडीकैप और एक्स सर्विसमैन लोगों के लिए एक्स्ट्रा एज रिलैक्सेशन रहेगा। नाउ आई हैव अ स्ट्रांग डाउट कि यहाँ पर एज लिमिट में कुछ चेंजेस होने का चांस है, एज इट्स अ क्लेरिकल और असिस्टेंट लेवल पोस्ट। शायद से चेंजेस आएंगे कि ये 20 से स्टार्टिंग हो सकता है और ये शायद 28 तक जा सकता है। लेट्स सी, अगर कुछ चेंज आता तो हम आपको अपडेट करा देंगे, बट एज ऑफ नाउ दीज आर द डिटेल्स गिवन इन द नोटिफिकेशन। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन में तो एनी ग्रेजुएशन, एनी बैचलर्स डिग्री इज़ फाइन, यू कैन अप्लाई फॉर दिस पोस्ट। तो मार्क्स का कोई लेना देना है नहीं, ग्रेजुएशन कंप्लीट है, आप अप्लाई कर सकते हो। लेकिन इसी के साथ एक एक्स्ट्रा बात भी याद रखनी है कि नॉलेज ऑफ रीजनल लैंग्वेज ऑफ द एप्लीकेंट स्टेट इज़ एसेंशियल। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, हर एक स्टेट के जो ऑफिशियल लोकल लैंग्वेजेस हैं, तो उस स्टेट के एप्लीकेंट्स को वो लोकल लैंग्वेज पता होना ज़रूरी है। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर आप एज अ महाराष्ट्र स्टेट कैंडिडेट अप्लाई कर रहे हो तो आपको मराठी पता होना ज़रूरी है, जिसका अलग से टेस्ट होने वाला है आफ्टर योर सेकेंड राउंड ऑफ एग्ज़ाम। तो ये सारे डिटेल्स मैं आगे इस वीडियो में देने वाला हूँ। तो दिस इज़ ये रूल है गवर्नमेंट का, तो ये सब जगह पे सारे स्टेट्स के लिए वैलिड रहेगा। सो फॉर एग्जांपल, कर्नाटका के लिए कन्नड़ा का टेस्ट रहेगा, वेस्ट बंगाल के लिए बंगाली का टेस्ट रहेगा। सो लेट्स कम टू द नेक्स्ट, एप्लीकेशन डिटेल्स क्या कुछ है वो देख लेते हैं। तो जस्ट लाइक एनी IBPS और अदर एग्जाम, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखने हैं, ये दो डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं। पासपोर्ट फोटोग्राफ का स्कैन है और सिग्नेचर स्कैन है। एप्लीकेशन डिटेल्स, तो ये वेबसाइट है। तो एक्चुअल जो एप्लीकेशन का या नोटिफिकेशन का जो लिंक है वो हम आपके लिए इस वीडियो के नीचे शेयर कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में भी, तो आप वहाँ से भी उसको एक्सेस कर सकते हो। जस्ट टू रिमाइंड यू कि बहुत बार एप्लीकेशन लिंक मोबाइल में ओपन नहीं होता है, तो वो आपको प्रॉपर कंप्यूटर पर, डेस्कटॉप पर ही ओपन करना पड़ेगा। एप्लीकेशन फीस इट्स 600 rupees फॉर एवरी कैंडिडेट, फॉर SC ST और फॉर हैंडीकैप और फॉर एक्स सर्विसमैन 100 rupees फीस है, और ऑनलाइन पेमेंट मोड खाली अवेलेबल है यहाँ पर। इंपॉर्टेंट डेट्स आपके सामने हैं, एप्लीकेशन स्टार्ट होने वाले 16 July को। तो नोटिफिकेशन आ चुका है, लेकिन एप्लीकेशन विल बी स्टार्टिंग फ्रॉम 16th of July। लास्ट डेट ऑफ एप्लीकेशन इज 31st July। प्रिलिम जो एग्ज़ाम है प्रिलिम्स का, उसका टेंटेटिव डेट उन्होंने दिया 8th-9th September का। मेंस एग्ज़ाम 6th October, दैट्स टेंटेटिव डेट। तो इसमें शायद से कुछ चेंजेस हो सकते हैं, बट ऑलमोस्ट यही डेट्स रहेंगे। सिलेक्शन प्रोसेस देख लेते, तो जस्ट लाइक एनी IBPS एग्ज़ाम, प्रिलिम और मेंस में ये होने वाला है। तो प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम का जो ट्रेंड इस साल SBI क्लरिकल ने स्टार्ट किया, वही ट्रेंड यहाँ पर कंटिन्यू होने वाला है। तो आपको दिख सकता है कि 100 मार्क है, टोटल 100 क्वेश्चंस हैं और 1 घंटे का वक्त है, लेकिन हर एक सेक्शन का जो वक्त है, टाइम लिमिट है, वो उन्होंने फिक्स कर दिया है, जस्ट लाइक SBI क्लरिकल एग्ज़ाम। तो जिस किसी ने SBI क्लरिकल एग्ज़ाम दिया है उसके लिए नई बात नहीं रहेगी। सो दिस इज़ अ चेंज एंड इट विल बी देयर ऑलमोस्ट फॉर ऑल द अपकमिंग एग्जाम्स, के अभी सेक्शनल टाइम भी फिक्स रहेगा। इफ़ यू क्लियर ना प्रिलिम्स में और मेंस में भी, जो जितने भी अलॉटेड मार्क्स है उसका 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगा। तो यहाँ पर फिलहाल प्रिलिम्स में 0.25 का नेगेटिव मार्किंग है। इफ़ यू क्लियर प्रिलिम्स तो आपका मेंस एग्ज़ाम रहेगा, और मेंस एग्ज़ाम में थोड़ा सा चेंज है SBI क्लरिकल के कंपेरिजन में। तो यहाँ पर उन्होंने 200 क्वेश्चन से 250 मार्क्स है एंड कंपोजिट टाइम 120 मिनट्स है, तो टोटल टाइम 120 मिनट का दिया है। तो वहाँ यहाँ पर सेक्शनल टाइम फिक्स नहीं है जो SBI क्लरिकल में था, बट अदरवाइज फर्स्ट राउंड इज़ ऑलमोस्ट सिमिलर टू SBI क्लर्क, और ये असिस्टेंट लेवल का एग्ज़ाम है, तो आपका SBI क्लरिकल का प्रिपरेशन यहाँ पर काम आ सकता है अगर आपने ऑलरेडी एग्ज़ाम्स दिए हैं तो। फाइनल सिलेक्शन वो कैसे होने वाला है, तो फाइनल सिलेक्शन विल बी बेसिस ऑन द बेसिस ऑफ द मार्क्स ऑब्टेंड इन मेंस एग्जामिनेशन। तो मेंस एग्जाम का जो स्कोर रहेगा उसके बेसिस पे फाइनल सिलेक्शन होगा, तो उसी हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट वहाँ पर डिस्प्ले होने वाला है। लेकिन
जो रीजनल लैंग्वेज टेस्ट की मैंने बात की थी शुरुआत में, वो वापस बता देता हूँ। जो भी लो स्टूडेंट्स शॉर्टलिस्ट होने वाले हैं मेंस के बाद, तो पहले उन्हें स्टेट लोकल लैंग्वेज टेस्ट भी देना होगा। ये जो टेस्ट है ये क्वालिफाइंग नेचर का है, मतलब इसका स्कोर जो है वो कहीं पर फाइनल मेरिट लिस्ट डिज़ाइन करते समय काउंट नहीं होने वाला है। लेकिन इसमें मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, जो कुछ न्यू इंडिया एश्योरेंस फिक्स करेगा, वो मिलना हर किसी के लिए ज़रूरी रहेगा। ठीक है, तो ये मेरिट लिस्ट में अफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन ऐसा अगर हुआ कि मेंस में आपको बहुत अच्छा स्कोर मिला है, लेकिन अगर आप ये टेस्ट क्वालिफाई नहीं कर रहे, तो आप फाइनल मेरिट लिस्ट में या फाइनल सिलेक्टेड कैंडिडेट्स में नहीं रहोगे। नेक्स्ट, पैसा कितना मिलेगा, सैलरी कितना है। तो बेसिक पे जो है वो 14,435 है। सारे जो अलाउंसेस जैसे कि हाउसिंग रेंटल अलाउंस, मेडिकल अलाउंस और ये सारे अलाउंसेस मिलके आपका टोटल सैलरी जो है वो 23,500 तक जा सकता है मेट्रोज में। एंड ऑब्वियसली ये हर साल रिवाइज होके चेंज होके बढ़ेगा। एंड देर आर सम इंटरनल प्रमोशनल एग्ज़ाम जो दे के आप आगे भी जा सकते हो। लेट्स कम टू द सिलेबस, इसका सिलेबस क्या कुछ रहेगा। तो फेज़ वन का फ़िलहाल मैं सिर्फ सिलेबस आपके लिए यहाँ पर दे रहा हूँ। न्यूमेरिकल एबिलिटी जो मैंने बोल्ड में लिखा है, आई विल रिकमेंड दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक जो फ्रीक्वेंटली आते हैं। सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन, एज इट्स अ क्लेरिकल एग्जाम, न्यूमेरिकल एबिलिटी में सिंप्लीफिकेशन कैलकुलेशन ही लगभग 10 मार्क का पक्का मिलने वाला है। और नंबर सीरीज 5 मार्क के लिए अलग मिलेगा। और बाकी आप टॉपिक्स एक्सप्लोर करोगे तो जो बोल्ड में है वो कहूँगा इंपॉर्टेंट है, उस पर ज़्यादा फोकस करना है। एंड इन द सेम वे रीजनिंग में जो बोल्ड में लिखा है वो फ्रीक्वेंट टॉपिक्स है, इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, उस पर ज़्यादा फोकस आपको करना पड़ेगा। दिस इज़ फॉर रीजनिंग एबिलिटी एंड इंग्लिश लैंग्वेज। इसमें ग्रामर बेस्ड, सेंटेंस करेक्शन, एरर स्पॉटिंग जैसे जो क्वेश्चन आते हैं, छोटे क्वेश्चन होते हैं, इस पर ज़्यादा स्कोर करोगे, ज़्यादा फोकस करोगे तो ज़्यादा अटैम्प्ट मिलने का चांस आपके लिए रहेगा। तो सिलेक्शन की बात करें तो सेक्शनल कट ऑफ वगैरह मेंशन नहीं हुआ है, बट टोटल स्कोर पे मेरिट लगेगा। सो दिस इज़ अबाउट योर इंग्लिश लैंग्वेज। अगर आप स्टडी मटेरियल ढूंढ रहे हो, ऑनलाइन टेस्ट ढूंढ रहे हो, या हमारे वीडियो कोर्सेज अवेलेबल है, हमारे बुक्स अवेलेबल है, हमारा ऑनलाइन टेस्ट भी अवेलेबल है, तो उसके सारे लिंक मैं आपके लिए यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में शेयर कर रहा हूँ। इफ़ यू आर लुकिंग फॉरवर्ड टू अ प्रॉपर क्लासरूम ट्रेनिंग इन मुंबई, तो उसके डिटेल्स भी हमने यहाँ पर नीचे ब्लॉग के नीचे शेयर किए आपके लिए, यू कैन गो थ्रू दैट। सो बेस्ट लक फॉर द एग्ज़ाम। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इस हमारे वीडियो को लाइक करना और इस वीडियो को शेयर करना मत भूलिएगा। विल कम अगेन विद सम न्यू वीडियो एंड न्यू इन्फॉर्मेशन। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।